हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मंदीप और आज की वीडियो में बात करेंगे iOS 13.6.1 की परफॉर्मेंस की। एक हफ्ता हो चुका है इस अपडेट को आए हुए। लास्ट फ्राइडे को मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और अब मुझे एक हफ्ता हो चुका है इसे यूज करते हुए, तो देखते हैं इस एक हफ्ते में कैसी रही है इसकी परफॉर्मेंस और iOS 13.6 के जो इश्यूज थे क्या वो इसमें रिजॉल्व हुए हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। बाकी गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब पे वीडियो में कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले इशू की, जो कि मैंने अपनी iOS 13.6 के फॉलो अप वीडियो में बताए थे 7 इशूज। तो उन्हीं इशूज के बारे में बात करते हैं और सबसे पहला इशू था बैटरी बैकअप का। तो बैटरी बैकअप जो है वो इस वाले अपडेट में एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी 13.6.1 की, उस दिन से लेके अभी तक मैं कंटिन्यूस रोज स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ बैटरी की। जब भी मैं इसको फुल चार्ज करता था और रात को भी, तो ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे 12 से 14 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है। बट स्टिल अगर मैं आपको फिर भी दिखाऊँ तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी फ्राइडे को, तो उसी दिन मैंने इसको चार्ज किया था और ये फुल चार्ज हुआ था 11:34 पर सुबह, और रात को मैंने एक और स्क्रीनशॉट लिया था 11:36 पे और उस वक्त इसकी बैटरी थी 6%, यानी कि 12 घंटे ऑलमोस्ट इसकी बैटरी चल गई थी। और उस दिन मेरा फोन पूरे दिन 4G पे रहा था, 4G डेटा मेरा ऑन था। उसी के अलावा अगर मैं उसके अगले दिन की बात करूँ सैटरडे की, तो सैटरडे को ये मैंने 2:47 AM पे फुल चार्ज किया था और उसके बाद रात को मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया था 11:15 का, तो उस वक्त भी बैटरी जो है वो थी 15%। और उसी के साथ एक और स्क्रीनशॉट लिया था सुबह 5:30 का, जब थी बैटरी 3%, यानी कि 12 घंटे का बैकअप आराम से मुझे मिल रहा है। मैंने पूरे हफ्ते का लिया लेकिन वो सारी इमेजेस मैं अभी अगर इसमें डाल दूंगा तो अननेसेसरी की वीडियो लंबी होगी, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 12 से 14 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें बहुत आराम से मुझे मिल रहा है, यानी कि बैटरी जो है वो इस वाले अपडेट में डेफिनेटली इंप्रूव हुई है और बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मुझे अपने iPhone XS पे मिल रहा है और साथ ही साथ 10R और 11 पे भी पहले के जैसा ही काफी अच्छा बैटरी बैकअप ये अपडेट दे रहा है। आज भी जैसे कि मैंने इसको चार्ज किया था 9:53 AM पे 100%, और अभी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो टाइम है 4:45 और अभी भी मेरी फोन की बैटरी जो है वो है 48%। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 6 घंटे से ऊपर इसको हो चुके हैं, 7 घंटे ही होने वाले हैं पूरे, और 7 घंटे में भी इसकी बैटरी 52% हुई है, तो यानी कि आराम से मेरे को अभी भी इसमें 12 से 14 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप जो है डेफिनेटली इस वाले अपडेट में इम्प्रूव हुआ है। अब अगर बात करें सेकंड इशू जो मैंने उसमें बताया था, वो था ऐप क्रैश का। तो इस वाले अपडेट में अभी तक एक हफ्ते की यूसेज में एक भी बार कोई भी ऐप क्रैश का इशू मैंने फेस तो नहीं किया है और साथ ही साथ मेरे 10R और 11 पे भी ऐसा कोई इशू नहीं आया है। अभी तक जो इसकी परफॉर्मेंस रही है काफी स्टेबल ही अपडेट चल रहा है, कोई इशू अभी तक तो इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, ना कोई ये लैग कर रहा है किसी चीज में, ना हैंग हो रहा है, ना ही कोई ऐप इसमें क्रैश हो रही है, नेटवर्क का भी कोई इशू इस वक्त फिलहाल इसमें नहीं आ रहा है। तो ऐप क्रैश का जो इशू है वो भी अब इसमें रिजॉल्व हो चुका है। अब अगर बात करें थर्ड इशू की, जो कि मैंने बताया था नेटवर्क से रिलेटेड, तो नेटवर्क इशू जो है वो मेरा, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा जो है नेटवर्क है वो वोडाफोन का है, तो हो सकता है कि मेरे नेटवर्क में ही प्रॉब्लम आ रहा हो और ये एक्चुअल में फैक्ट है कि वोडाफोन में इस वक्त कुछ इशू चल रहा है, इस वजह से नेटवर्क में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। बाकी नेटवर्क जो है वो ऑलरेडी iOS 13.6 पे जैसा था, 6.1 पे भी वैसा ही है, कभी कभार जो है नेटवर्क ड्रॉप कॉल ड्रॉप मेरे को फेस इसमें हो रहा है, बट वो बेसिकली नेटवर्क की ही वजह से है क्योंकि मैंने एयरटेल की सिम इसमें डाल के देखी थी तो वो काफी परफेक्ट चल रही है। तो ये इशू जो है वो उस वक्त भी सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड ही था, जो अभी भी है। बाकी अगर किसी और को अभी भी नेटवर्क का इशू आ रहा है तो मैंने उसमें कुछ टिप्स भी बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि अपनी नेटवर्क सेटिंग्स को आप रीसेट कर लें, तो अगर आप एक बार वो कर लेंगे तो उससे आपकी जो है नेटवर्क की जो है अगर कोई इशू एक्चुअल में फोन में होगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी जैसे कि मेरे को iOS 13.6 में इशू आ रहा था फोन अनरिस्पॉन्सिव का, तो वो वाला इशू भी जो है अभी तक 7 दिनों में एक भी बार मुझे फेस नहीं हुआ है, तो वो वाला इशू भी इस वाले अपडेट ने रिजॉल्व किया है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे इशूज iOS 13.6 के जो थे वो इसमें कर दिए गए हैं रिजॉल्व। एक और इशू जो iOS 13.6 में मुझे आ रहा था वो ये था कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि व्हाट्सएप या कोई भी अगर आप साइट खोलते हैं तो वाईफाई और डेटा ऑन होने के बावजूद भी वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, काफी देर तक वो कनेक्टिंग ही दिखा रहा था, तो वो वाला इशू जो है वो भी अब इसमें सॉर्ट कर दिया गया है, ऐसा इशू नहीं आ रहा है वाईफाई पे। नेटवर्क पे वो हो सकता है अगर किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जैसे वोडाफोन में इशू चल रहा है, तो अगर आपको पैकेट डाटा पे वो वाला इशू आ रहा है तो डेफिनेटली वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बट अगर आपका वाईफाई जो है वो स्टेबल इंटरनेट चल रहा है तो अब वो वाला इशू जो है इस फोन में नहीं आ रहा है। इसी के अलावा एक और इशू जो मुझे आ रहा था वो ये था,
कि जब भी किसी का फोन जो है इंटरनेट से कनेक्ट होता था और वाईफाई से भी कनेक्ट होता था तो उनको व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलती थी। जब वो फोन को लेते थे अनलॉक करते थे उसके बाद जाके ही कई बार वो नोटिफिकेशन आती थी, अदरवाइज नहीं आती थी। तो वो वाला इशू मैंने भी एक दो बार फेस किया था बट वो भी अब इस वाले अपडेट में हो गया सॉल्व। और अब बात करते हैं फाइनल सबसे मेन प्रॉब्लम की जो उस वाले अपडेट में काफ़ी लोगों ने मुझे बताया भी था कमेंट्स में कि उनकी जो बैटरी हेल्थ है वो हो गई है डिग्रेड, किसी की 2, किसी की 3%। मेरी भी 2% हुई थी लेकिन उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई फास्ट चार्जर यूज़ करता है तो फास्ट चार्जर की वजह से ही बैटरी डिग्रेड होती है। अदरवाइज iOS सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत रेयर ऐसा होता है कि बैटरी आपकी डिग्रेड हो, बट फास्ट चार्जर जो है वो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है बैटरी के डिग्रेड होने का। बाकी अगर किसी की बैटरी डिग्रेड हुई भी है तो इस वाले अपडेट में ऐसा कोई भी इशू नहीं है, बैटरी स्टेबल है। 85 थी मेरी और अभी भी 85 ही है। बाकी अगर किसी को ऐसा कोई इशू आया तो वो iOS 13.6.1 वाली वीडियो और 13.6 वाली वीडियो जो मैंने फॉलो अप बनाई थी वो आई वाले बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने टिप्स भी बताई थी कि कैसे आप अपने फोन को रिस्टोर करके वापस अपनी बैटरी हेल्थ को 1-2% गेन कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है अगर रिसेंटली आपकी बैटरी डिग्रेड हुई है तो वापस रिगेन हो जाएगी। बाकी इस वाले अपडेट में बैटरी हेल्थ के ट्रेन होने का भी कोई इशू नहीं है, काफी अच्छा ये अपडेट चल रहा है। बाकी रैम मैनेजमेंट भी इस वाले अपडेट में काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं ये कुछ ऐप्स हैं जिनको मैं अपने डिवाइस पे करूंगा ओपन, और ये 5-6 ऐप्स को मैं एक साथ ओपन करूंगा। और ओपन करने के बाद इनको जब हम चेक करेंगे कि वापस अगर हम इनको रीओपन करते हैं और एक्सेस करते हैं तो ये आपको वापस उसी स्टेज पे मिलेंगी जहां पे आपने इनको छोड़ा था। तो रैम मैनेजमेंट जो है वो इस वाले अपडेट में काफी अच्छे तरीके से किया गया ऑप्टिमाइज। हालांकि रैम मैनेजमेंट का जो इशू है वो हर एक अपडेट में चेंज होता रहता है, हर एक अपडेट में वो पहले सही हो जाता है लेकिन कुछ समय के बाद वापस थोड़े बहुत इश्यू उसमें आने लग जाते हैं। बट इस वाले अपडेट में फिलहाल के लिए तो रैम मैनेजमेंट काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। ऐप्स को जहां पर आपने ओपन किया है अगर आप बैकग्राउंड में वो ऐप रहते हैं तो वापस जब आप उनको ओपन करेंगे तो रिफ्रेश नहीं होते हैं, रीलोड नहीं होते हैं, जहां से आपने ओपन किया एग्जैक्टली वहीं से ओपन हो रहे हैं। तो गाइस iOS 13.6.1 काफी अच्छा अपडेट चल रहा है और एक हफ्ते की यूसेज में अभी तक मैंने कोई भी इश्यू इसमें फेस नहीं किया, बहुत ही परफेक्ट है। iOS 13.6 के सारे इश्यूज हालांकि इसमें एड्रेस नहीं किए गए थे बट एक्चुअल में इसमें सॉर्ट हुए हैं। और iOS 14 से पहले का अब ये iOS 13 के लाइफ साइकिल का ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली लास्ट अपडेट होगा, क्योंकि इस अभी तक तो काफी अच्छा चल रहा है तो अब शायद जो आएगा वो सीधा iOS 14 ही आएगा, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट शायद 14th of September की है। तो अगर किसी ने अभी तक ये वाला अपडेट इंस्टॉल अपने डिवाइस पे नहीं किया है तो वो डेफिनेटली इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या हमें अपडेट कर लेना चाहिए और मैंने उनको उस वक्त यही बोला था कि अभी आप वेट कीजिए, मैं इसको एक हफ्ते तक यूज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक इस वाले अपडेट को इंस्टॉल नहीं किया है वो डेफिनेटली इसको इंस्टॉल कर लीजिए, परफॉर्मेंस आपके फोन की इम्प्रूव ही होगी, बैटरी लाइफ आपको अच्छी मिलेगी। तो काफी अच्छा ये अपडेट चल रहा है और अगर आपको iOS 14 जो है वो नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है अगर उसके फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है जो कि आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ iOS 13.6 के जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने की वीडियो भी मैंने iOS 13.6 के फॉलो अप वाली वीडियो में बनाई है। तो अगर अभी भी किसी को कोई भी इशू आ रहा है नेटवर्क से रिलेटेड या बैटरी हेल्थ से रिलेटेड तो वो उस वाली वीडियो को देखकर उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स से जिन्होंने अभी तक iOS 13.6.1 इंस्टॉल नहीं किया है, ताकि उनको पता लग सके कि इस वाले अपडेट में जो है परफॉर्मेंस डिवाइसेस की इंप्रूव हुई है। बाकी अगर इस वाले अपडेट में आगे कोई इशू आएगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, और अगर किसी को कोई भी इशू है तो वो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, और यूट्यूब में इस वाली वीडियो के कमेंट में भी आप डाल सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं उसका जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।